बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 300 ग्राम्स चिकन। बोनलेस हो ये ज़रूरी नहीं है, आप बोन वाला भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर बोन वाला ही लिया हुआ है। मगर इसको अच्छे से क्लीन करके धोकर मैंने इसमें थोड़ा कट्स लगा लिया है, देख सकते हो, ताकि मैरिनेशन इसमें अच्छे से जाए। आप भी इसको धोकर ऐसे कट्स लगा लो इसमें। ये 300 ग्राम्स है, 4 पीसेस टोटल। और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून दही या कर्ड, लेमन थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून लेमन जूस लगेगा, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और यहाँ पर लगेगा 1 टेबलस्पून ऑयल। सो मैं अब धीरे धीरे इसको मैरिनेट करना स्टार्ट करूँगी ये सब डाल के। इसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज, दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और इसमें डालेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आप कोशिश करना रेड चिली पाउडर जो है ना वो थोड़ा कलर वाला हो, अगर तीखा आप लोगों को पसंद है ज़्यादा तो तीखा लाल भी आप लोग ले सकते हो, मगर मैं जो यूज़ करती हूँ स्पेसिफिकली वो है जो रेड वाला आता है ना, जो जो कलर अच्छे से उससे उसका आता है, रेड चिली पाउडर जो है वो लाल वाला, तो उससे क्या होता है कलर आता है। और बाहर जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं वहाँ पर कुछ वो लोग कलर यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा फूड कलरिंग, मगर हम लोग यहाँ पर घर में बना रहे तो एक्स्ट्रा फूड कलरिंग नहीं यूज़ करेंगे, तो रेड चिली पाउडर से ही हम लोग उसको मैरिनेट करेंगे। और अच्छे से मिक्स करना होगा इसको। ये थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ही, अराउंड 1/8 टीस्पून, और करेंगे अच्छे से मिक्स। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको मैरिनेट किया हुआ है। अच्छे से जो मसाला है उसको इसमें, इसका जो कट्स लगे हुए हैं उसमें अच्छे से घुसा दिया है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो। अभी इसको हम लोग 2 आवर्स तक, मिनिमम 2 घंटे तक ऐसे रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटे। आप उससे ज़्यादा रखोगे तो और भी अच्छा बनेगा, मिनिमम 2 घंटे रखो इसको। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको 10 घंटे भी रख सकते हो फ्रीज़र में, मगर अब ऐसे ही रख रहे हो तो 2 घंटे तक आप रख दो, फिर हम लोग इसको पकाएंगे यानी कि फ्राई करेंगे या तवे के ऊपर पैन फ्राई करेंगे। तो रख दीजिए इसको ऐसे ही, फिर आफ्टर मैरिनेशन में आती हूँ वापस और बनाएंगे इसको। चिकन मेरा मैरिनेट हो गया है, आप लोग देख सकते हो, और अभी मैं इसको पकाऊंगी, आई मीन कुक करूंगी। सो मैंने यहाँ पर एक तवा लिया हुआ है, उसको मैंने गरम करने के लिए छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने लिया है 5 टीस्पून ऑयल। सो जब ये गरम हो जाएगा हम इस पर थोड़ा ऑयल ब्रश कर लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चिकन को देना। और हाँ, चिकन देने के वक्त हम लोग हमेशा हाई हीट पे उसको देंगे, और फिर देने के 5 मिनट बाद हम लोग हीट को मीडियम फ्लेम में रखेंगे। Thank you.
अभी हम लोग इसको ऐसे ही 5 मिनट तक छोड़ देंगे पकने के लिए हाई हीट पर। फिर इसको करेंगे टर्न एंड फिर हम लोग हीट को मीडियम करेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, एक कोल या कोल का पीस लेंगे और उसको थोड़ा हीट में रख देंगे ताकि वो थोड़ा ब्लैक हो जाए यानी कि जल जाए। बाद में वो हमारे इस तंदूरी चिकन को स्मोक करने के काम आएगा। 5 मिनट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हम इसको करेंगे टर्न। और हमारे पास जो ग्रेवी बचा हुआ था यहाँ पर, जो जो मसाला, उसके ऊपर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर सब जो ग्रेवी एक्स्ट्रा था जो मसाला था वो उसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ऐसे ही हाई हीट पे। फिर जैसे मैंने बोला था कि हीट को मीडियम करना होगा, फिर हम लोग इसको मीडियम कर देंगे। आप लोग देख सकते हो मैंने और ऑयल नहीं डाला था यहाँ पर। 2 टेबलस्पून ऑयल जो मैंने डाला था उसी पे मैं इसको पका रही हूँ। और मैंने इसको एक बार टर्न किया था तो इसका अच्छा सा एक ब्राउन कलर भी आया है। देखो आप लोग। और अभी इसको पकने देंगे। इसका टोटल कुकिंग टाइम होगा अराउंड 20 to 25 मिनट्स। मीनवाइल आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने बर्नर पे जो कोल का पीस है उसको रख दिया है, तो वो कैसे होता है आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। कोल भी हमारा बर्न हो गया है ऑलमोस्ट। इसको हम इसके बीच में रख देंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और जब स्मोक उठना चालू होगा तब हम इसको कवर कर देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए ऐसे ही कवर किए हुए। हो चुका है, अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे। देख सकते हो अच्छे से ये पक गया है और इसमें फ्लेवर भी आ गया है। अब हम इस कोल को हटा देंगे यहाँ से और बन गया है हमारा तंदूरी चिकन। हमारा तंदूरी चिकन आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है।